इससे बढ़कर हजार से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी तो अब है आपकी बारी अब आइए सी जी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र तीन सौ निन्यानवे रूपए में तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एस एस सी मेकर का फौजी बैच और करें एस एस सी जी डी में अपने सिलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस एस मेकर में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नवंबर माह की जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं उनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छा आपका सेशन होने वाला है ध्यान रखिएगा क्योंकि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस क्लास में इस वीडियो में हम शुरू से लेकर यानी कि एक नवंबर से लेकर इकतीस नवंबर और कुछ पहले भी अपॉइंटमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आने वाला है तो सभी बच्चे पूरा इसको देखेंगे और अपने नोट्स वगैरह जो भी आपको करना है करेंगे वैसे तो इसका पी आपको हमारे एस एस मेकर एप्लीकेशन्स पर मिल जाएगा लेकिन फिर भी आप इसको लिखेंगे तो ज़्यादा आपके याद रहने वाला है ठीक है तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की देखते हैं किस प्रकार आ, जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं तो वो सारी चर्चाएं हम यहां पर आज करने वाले हैं तो भाई एक बार सभी बच्चों का मैं पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में तो हाल ही में <coughs> आ, किस देश किस देश की साइमा जावे दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का डब्ल्यूएचओ नेतृत्व करेगी यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने साइमा जावेद को दक्षिण पूर्वी एशिया का क्या किया गया है लीडर बनाया गया है यानी कि जो विश्व व्यापार विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य संगठन इसका एक लीडर है यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको आप हैंडल कीजिएगा तो ये किस देश की है भारत की है बांग्लादेश की है श्रीलंका की है या फिर ये म्यांमार की है ऑप्शन तो नंबर पर क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा ये बांग्लादेश से है ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा वहीं पर याद रखेंगे अगर डब्ल्यू की हम बात करते हैं तो डब्ल्यू की स्थापना सात अप्रैल उन्नीस में हुई थी कब हुई थी सात अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी इसका हेडक्वार्टर भाई कहाँ पर है जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शंस वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आ, ध्यान रखिएगा कौन है ये साइमा जावेद हैं जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया डब्ल्यू के लीडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया कहाँ से हैं ये हैं बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, है। बांग्लादेश के साथ में हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं एक बार कमेंट में सभी बच्चे आंसर लिखेंगे क्योंकि अभी हमने बोगो सागर किया था तो उसके अलावा हम जो करते हैं कमेंट में बताइएगा हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया मनोरंजन मिश्रा को शक्तिकांत दास को माइकल डी पात्रा को या फिर इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर टू इंपोर्टेंट टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर यहां पर हो जाएगा ए सही यानी कि जो मनोरंजन मिश्रा है इनको आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है जबकि अगर मैं गवर्नर की बात करता हूं तो गवर्नर कौन है भाई ध्यान रखिएगा ये है शक्तिकांत दास कौन है शक्तिकांत दास हैं जो कि हमारे आर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया राष्ट्रीयकरण किया गया हेड क्वार्टर मुंबई में है भाई इसका तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा माइकल डी पात्रा इसके डिप्टी गवर्नर में से एक है डिप्टी गवर्नर में से एक है माइकल डी पात्रा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के आ, नव नियुक्त निर्देशक किसे बनाया गया है है ना संयुक्त रूप से संयुक्त निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है तो अभी हम बात कर रहे हैं सीबीआई को लेकर है ना जिसको हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं फॉलोइंग रिसेंटली मेड द अपॉइंटमेंट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संयुक्त रूप से इनको नियुक्त किया गया प्रवीण मधुकर पवार हैं सुबोध कुमार हैं प्रवीण सूद हैं ए सामंत गोयल हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रवीण मधुकर पवार को संयुक्त सीबीआई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है भाई ठीक है ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1969 में आ, थ्री में इसकी स्थापना की गई थी ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये हमारे रक्षा मंत्रालय सॉरी गृह मंत्रालय है ना होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने ग्रैंड स्विज इतिहास रचा है जो ये ग्रैंड स्विज प्रतियोगिता है इसको जीतकर इतिहास इन्होंने रचा है तो ये आर प्रज्ञानंद है आर वैशाली है या बट खुयांग है या इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चार का क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा हाल ही में बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए या बढ़ावा देने के लिए किस टेलीविजन के साथ में समझौता किया कलर्स के सोनी के या फिर सब मैक्स के राज्य सभा टीवी के तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये आपको ध्यान रखना है 2015 में इसको शुरू किया गया था पानीपत से इसको शुरू किया गया था तो अभी इस अभियान को और पॉपुलर करने के लिए कलर्स टीवी के साथ समझौता किया गया है क्वेश्चन नंबर फाइव का ए सही हो जाएगा भाई मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी हाल ही में किसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सीओ एम डी नियुक्त किया गया है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंट एज द सी ओ ऑफ या सी ओ एंड एम डी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी दीपेश नंदा है साइमा जावेद है एन चंद्रशेखरन है या फिर इनमें से कोई नहीं तो ये है दीपेश नंदा जी कौन है दीपेश नंदा है ऑप्शन नंबर ए सही होगा साइमा जावेद ये भी आप ध्यान रखेंगे तो दीपेश नंदा को आपको नहीं भूलना है हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं भाई टाटा पावर को ध्यान रखिएगा ठीक है वहीं पर एक चीज और आप याद रखेंगे टाटा पावर के अलावा ध्यान रखेंगे इसकी जो स्थापना हुई थी टाटा की स्थापना जो हुई थी ये 1867 में हुई थी किसने की थी जमशेद जी टाटा ने किसने जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शंस वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा हाल ही में निम्न में से किसे सोमनाथ मंदिर का जो सोमनाथ मंदिर है इस ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है जो सोमनाथ मंदिर कहां पर है गुजरात में है तो उसका अध्यक्ष चुना गया है कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी को क्या चुना गया है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है टिक करेंगे इंपोर्टेंट पर हाल ही में किस राज्य सरकार को ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन ओनर्ड विद द ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड केरल कर्नाटका तमिलनाडु या फिर झारखंड तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर केरल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जबकि अभी हाल ही में यू एन ओ डब्ल्यू टी ओ ध्यान से सुनिएगा यू एन डब्ल्यू टी ओ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है केरल को क्या ना केरल एक केस स्टडी के रूप में अब जाना जाएगा इस पर केस स्टडी होगा कि इसने कैसे अपने यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाया कैसे ग्रोथ किया अपने प्रदेश का टूरिज्म क्या क्या इन्होंने तकनीक का यूज किया ये सारी चीजें वहां पर केस स्टडी के रूप में शामिल कर ली गई हैं किसके द्वारा यू के द्वारा जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सही हो जाएगा चलिए हाल ही में कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवेज हीरालाल समारिया हैं संतोष कुमार झा हैं प्रवीण मधुकर जहां है या फिर इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा आपका ए हीरा लाल नियुक्त किया गया है क्या अगला सीएमडी किसका कोंकण रेलवे का है ना कोंकण रेलवे का आपसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर करना चाहूंगा सभी बच्चों से आपको बताना है कि जो भारतीय रेल है इसके निर्देशक कौन है या जिनको हम चेयरमैन कहते हैं चेयरमैन कौन है भारतीय रेल के आप कमेंट में सभी बच्चे लिखेंगे और ये जो आपको टॉपिक एक तरीका से कराया जा रहा है आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो है ना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है सभी वनडे एग्जाम्स के लिए चलिए भाई हाल ही में स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया पेड्रो साचेस को निकोलसन कोलंबिया को एंजेला मार्कल को या फिर इनमें से कोई नहीं स्पेन के जो अभी वाहक प्रधानमंत्री चुने गए ये पेड्रो सांचेज हैं जिनको चुना गया है क्वेश्चन नंबर दस का आंसर हो जाएगा ए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर दस का आंसर हो जाएगा ए ध्यान रखेंगे इस बात का स्पेन जो है ये कहाँ का देश है किस कॉन्टिनेंट का तो ये महाद्वीप है कौन सा यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है यूरोप का वहीं पर स्पेन की जो राजधानी है ये मैड्रिड है क्या है मैड्रिड है ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए हाल ही में निम्न में से किस भारतीय माउंट एवरेस्ट स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला बनी है माउंट एवरेस्ट से स्काई ड्राइव लगाने वाली ये भारत की पहली महिला बन चुकी हैं इनका नाम है शीतल महाजन अरुणिमा सिन्हा बछद्री पाल हैं या फिर इनमें से कोई नहीं तो ध्यान रखिएगा ये शीतल महाजन हैं जो क्या बनी है स्काई ड्राइव यानी कि ऊपर से छलांग लगाने वाली भारत की पहली महिला बनी है माउंट एवरेस्ट से ठीक है क्वेश्चंस बनेगा 101 वन परसेंट यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनर फोरम जिसको हम कहते हैं यूएसआईएसएफ पी बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किसे कहा गया है जो ये बोर्ड है इस बोर्ड में सलाहकार होते हैं तो सलाहकार के जो नियुक्त किए गए ये कौन किए गए ये गिरधर अरमाने किए गए अजय कुमार को किया गया वैभव सिंह को किया गया पे से फिर कोई नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा अभय कुमार को नियुक्त किया गया है यू एस आई एस पी एफ बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया है भाई चलिए हाल ही में निम्न में से किसे एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निर्देशक बनाया गया है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निर्देशक बनाया गया है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर क्या होगा आलोक शर्मा है तपन डेका है प्रवीण सूद है या फिर आपका दिनकर गुप्ता है तो एसपीजी के जो निर्देशक बनाए गए अभी हाल ही में ये बनाए गए हैं आलोक शर्मा को एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ध्यान रखिएगा क्या है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसका मुख्यालय कहाँ पर है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है भाई ध्यान रखना ये स्पेशल प्रोटेक्शन में इस फोर्स को लगाया जाता है तो आलोक शर्मा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है ठीक है उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे क्योंकि हमारी जो डेली लाइव क्लास चलती है सुबह छह बजे चलती है Uh, बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं तो आप सभी बच्चे एक बार uh, सुबह सभी बच्चे लाइव uh, वहाँ पर क्लास से जुड़िएगा बहुत बेहतर तरीके से क्लासेज हम डिस्कस करते हैं चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के एम व सी के रूप में नियुक्त किया गया अशोक बासवानी है शशिधर जगदीशन है दिनेश कुमार खारा है या फिर ये इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर ए सही होगा क्योंकि शशिधर जगदीशन जो है ये एच बैंक से जुड़े हैं है ना ये वहाँ के एम डी आर सी ओ हैं दिनेश कुमार खारा ये एस के क्या हैं एस के चेयरमैन हैं ध्यान रखिएगा है ना एस के चेयरमैन कौन है ये दिनेश कुमार खारा जी हैं चैट जी है भाई ये क्या है चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है ओपन ए ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंट एज द चेफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय द चैट जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन एआई तो किससे बनाया गया है प्राग अग्रवाल को मीरा मुराती को सोम ऑल्टमैन को या इनमें से कोई नहीं तो क्वेश्चन नंबर डी सही होगा इसके पहले की जानकारी आपको मैं दे दूं सोम या सेम ऑल्टमैन जो हैं ये इनसे पहले हुआ करते थे है ना लेकिन अब किससे बनाया गया है अब मीरा मुराती जो कि एक भारतीय मूल की महिला हैं ये भारतीय मूल की एक महिला हैं वहीं पर सैम ओल्टमैन माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ चुके हैं किससे माइक्रोसॉफ्ट से, से हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अभी ये वापस से ओपन एआई में जाना चाहते हैं लेकिन अभी फाइनली कुछ डिसीज़न नहीं लिया गया है कि ये कहाँ हैं अभी सिर्फ खबरों में ये चीज़ें हैं कि ये किससे जुड़, जुड़ चुके हैं माइक्रोसॉफ़्ट कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है ये उससे जुड़ चुके हैं विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है चार ऑप्शन आपके सामने है भाई तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में हम कब सेलिब्रेट करते हैं? देखिएगा एक बार इसको। विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? है ना तो ये हम 19 नवंबर में मनाते हैं 18 नवंबर में मनाते हैं या फिर 17 नवंबर में मनाते हैं 20 नवंबर में मनाते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहां पर 19 सही हो जाएगा इसको मनाया जाता है 19 नवंबर में हाल ही में निम्न में से किसे एस का प्रबंधक निर्देशक चुना गया है मैं अभी बात कर रहा था एस को लेकर है ना एस को लेकर मैं अभी बात कर रहा था एस की अगर बात की जाए तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है और चेयर पर्सन की हम बात कर रहे थे या जिनको हम चेयरमैन कहते हैं उनकी हम बात कर रहे थे तो चेयरमैन कौन है भाई ये चेयरमैन बने हैं अभी हाल ही में कौन बने सॉरी दिनेश खारा कौन है दिनेश कुमार खारा जी जो इसके चेयरमैन हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके एस के एम के एम की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो एम को ध्यान रखिएगा ये प्रबंधक निर्देशक बने हैं ये हैं विनय एस टोसे विनय एम टोसे याद रखिएगा विनय विनय एम टोसे एम तो से ध्यान रखिएगा विनेम टो से ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी ए सही हो जाएगा चलिए हाल ही में ल्यूक फ्रिडेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है इंपॉर्टेंट है लिखेंगे इसको टिक कर लेना क्वेश्चंस आएगा कि लक्जमबर्ग है अर्जेंटीना है या फ्रांस है या स्लोवाकिया है तो हाल ही में ल्यूक फ्रिडेन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं लक्जमबर्ग के है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा लग्जमबर्ग के ये प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी शिक्षा परिषद विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं तो हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट काउंसलिंग डॉक्टर राजशरण शाही हैं यज्ञ वल्ल के शुक्ल हैं अतुल श्रीवास्तव हैं ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर 19 का ए सही होगा कौन बने हैं ये बने हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिसको ए वी बी पी कहा जाता है ठीक है इसके अध्यक्ष बने हैं राजसरन साही इनसे पहले या पूर्व कौन हुआ करते थे ये हुआ करते थे यज्ञ वल्ल के शुक्ल कौन यज्ञ वाल के शुक्ल हुआ करते थे जोसेफ बोकाई किस देश के राष्ट्रपति बने हैं ये अर्जेंटीना के लाइबेरिया के जर्मन के या फिर ब्राज़ील के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जोसेफ़ बोकाई हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री तो ये लाइबेरिया जो कंपनी देश है कहाँ का अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सॉरी हाँ बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप का इसका अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है जिसके ये क्या बने हैं राष्ट्रपति नियुक्तियों के बारे में लक्षण जो हैं ये न्यूजीलैंड के बने लाइबेरिया के बने ऑस्ट्रेलिया के बने या फिर ये सूडान के बने हैं तो ये आपको ध्यान रखना है क्रिस्टोफर लक्षण जो हैं ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने इनसे पहले कौन हुआ करते थे भाई इनसे पहले कौन हुआ करते थे कमेंट में बताएंगे जकिंडा आर्डन ने अपनी स्वेच्छा से ही त्यागपत्र दिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाई थी हाँ जिसके कारण त्याग त्यागपत्र देना पड़ा था लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा अभी फिलहाल में कौन है ये हैं आपके क्रिस्टोफर लक्षण कौन है क्रिस्टोफर लक्षण चलिए नेक्स्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल में किस भारतीय को चुना गया इंडिया बिकम द रिसेंटली सिलेक्टेड इन द यूनाइटेड नेशन एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल जो यूएन का एक्स्ट्रा ऑडिनल पैनल है है ना? हम बात करें यूएन की यूएन का जो एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल है, है ना ऑडिटर पैनल है इसके जो अध्यक्ष चुने गए इसके जो अध्यक्ष चुने गए ये कौन चुने गए कृष्ण चंद्र मुर्म चुने गए ऋतुराज अवस्थी को चुना गया आर रमणी को चुना गया सुमन बैरी को चुना गया तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही हो जाएगा जो वर्तमान में अभी कौन है ग्रीष चंद्र मुर्म है वो चुने गए हैं ठीक है हाल ही में गार्ड वाइट्स किस देश के प्रधानमंत्री बने नीदरलैंड के न्यूजीलैंड के लाइबेरिया के या फिर ऑस्ट्रेलिया के तो ये बने हैं किसके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का ए यानी कि नीदरलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं भाई हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको हम फेशिया कहते हैं क्या कह सॉरी फिक्की कहते हैं फिक्की इसको कहा जाता है यानी कि फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जो चुने गए ये अनिश शाह को चुना गया मीरा मुराती को डेविड कैमरून को या फिर सुब्रकांत पांडा को मीरा मुराती अभी कौन बनी है ओपन ए जो कंपनी है उसकी सी बनी है अनिस सहा को चुना गया है आंसर क्या होगा अनिस शाह और अभी ध्यान रखेंगे सुब्रकांत पांडा जो है ये फिक्की के पूर्व क्या थे निर्देशक थे अध्यक्ष सॉरी अध्यक्ष थे पूर्व इनसे पहले किनसे पहले इनको वहां पर अपॉइंट किया गया था अब इनकी क्या हो चुकी है टाइम पीरियड पूरा हो चुका है तो नए बने हैं अनिश सहा को बनाया गया ठीक है तो ये था आपका यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स अब कुछ हम बात करेंगे स्टैटिक को लेकर है ना इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि एस एस सी जी डी दो हजार तेईस चौबीस के लिए आपकी क्लासेस है एक तारीख से लाइव हो चुकी है वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही है है ना सुबह सात बजे आपकी फ़िलहाल अभी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है तो जो बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं फौजी वैद से वो एक बार सभी बच्चे फौजी वैद से जुड़ेंगे आपको फौजी वैद से जुड़ने के लिए क्या करना है एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो भाई ठीक है बाकी यहाँ पर क्लासेस पी आपको मिलेगी क्लास नोट्स मिलेंगे डाउट सेशंस आपको दिया जाएगा कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो उसमें आपको वहाँ पर पूरी हेल्प की जाएगी भाई ठीक है चलिए तो एक बार सभी बच्चे सेशन को कंप्लीट देखें बेहतर तरीके से चीज़ें आपको वहाँ पर कराई जाती हैं कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन हैं जो हमें यहाँ पर करने हैं भाई सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है है ना वैन इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड इक्कीस जुलाई सत्ताईस जुलाई ग्यारह जुलाई या फिर सत्ताईस जुलाई ठीक है दो बार लिखा है सत्ताईस जुलाई आप इसको ध्यान रखेंगे तो विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं कब मनाते हैं ये मनाते हैं हम 11 जुलाई में नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है जो प्लाज्मा पाया जाता है मानव में रक्त में है ना रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है रक्त प्लाज्मा ये कितना होता है भाई लगभग 20 से 30 परसेंट पचपन से 60 परसेंट सत्तर से 75 परसेंट या फिर 80 से पचासी परसेंट कितने परसेंट ये होता है एक बार क्वेश्चंस को दोबारा समझेंगे मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है ठीक है तो ये लगभग होता है पचपन से साठ प्रतिशत के आसपास कितना पचपन से साठ प्रतिशत के आसपास ये होता है भाई चलिए भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था भारत में जो जहांगीर का शासनकाल था ये छः सौ पाँच से छः सौ सत्ताईस था छः सौ सत्ताईस से छः सौ अट्ठावन था अट्ठावन से सात सौ सात था या फिर सात सौ सात से सत्रह सौ सॉरी सत्रह सौ सात से सत्रह सौ अड़तालीस था वट वाज़ द राइजिंग ऑफ जागीरा इन इंडिया जहांगीर का शासनकाल क्या था ठीक है तो कितना था ये 605 से छे तक इनका समय पीरियड रहा है भाई चलिए नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को भारतेंदु शहानी को, को देवकी नंदन पंत को हु इज कंसिडर द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर का ए यानी कि मुंशी प्रेमचंद सही होगा मुंशी प्रेमचंद सही हो जाएगा किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं तो कम से कम साठ हो सकते हैं और अधिक से अधिक पाँच सौ हो सकते हैं हालांकि कुछ इनके अपवाद भी होते हैं वो बात अलग है जनसंख्या पर डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है लेकिन ये एक क्या कह सकते हैं लीगल आ, आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ इतना होना अनिवार्य है कि कम से कम साठ और मैक्सिमम पाँच सौ पाँच सौ से ज्यादा अभी फिलहाल नहीं है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं ठीक है ना ये लगभग पच्चीस हजार हैं, लगभग बत्तीस हजार हैं लगभग बयालीस हजार हैं लगभग बावन हजार हैं इस क्वेश्चन को एक बार सभी बच्चे आप होमवर्क के रूप में लिखेंगे है ना आपको बताना है कि यूपी में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है यहाँ पर जिले कितने हैं ठीक है और ये कितनी ग्राम पंचायतें हैं ये आपको बताना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक एकड़ में कितने वर्ग गज होता है ये अड़तालीस सौ चालीस वर्ग गज होता है पैंतालीस सौ पचास वर्ग गज होता है बावन अड़तालीस या चवालीस एक एकड़ में कितने वर्ग गज होता है ठीक है तो ये कितना होता है ये अड़तालीस सौ चालीस वर्ग गज होता है कितना अड़तालीस सौ चालीस उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है मोर है हंस है कोयल है या फिर सारस है उत्तर प्रदेश राज्य का जो पक्षी है ये सारस है ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है ऑप्टिकल डिस्क को मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क को या फिर मैग्नेटिक डिस्क को या फिर इनमें से कोई नहीं तो ये मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क को उसमें दर्शाया जाता है परिवार समाज जीवन की प्राथमिक पाठशाला है किसने कहा था परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है ये कथन किसने कहा ये अरस्तु ने कहा महात्मा गांधी ने कहा प्लेटू ने कहा या फिर इनमें से कोई नहीं ठीक है तो ये जो आपका परिवार है ये समाज की सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला इस बात का उल्लेख किया था अरस्तु ने क्वेश्चन नंबर दस का आंसर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा एसएससी जीडी का जो आपका बैच है 2023-24 का जो बैच है ये आपको फौजी बैच लाइव मिलेगा क्लास नोट्स मिलेंगे डाउट सेशन आपको मिलेगा ध्यान रखेंगे क्लास बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर संपूर्ण आपको मिलने वाली है भाई ध्यान रखिएगा इस चीज़ का मात्र तीन सौ निन्यानवे रुपये में है ना थ्री डबल नाइन में आपको क्लास वहाँ पर मिल जाएगी वहीं पर याद रखेंगे बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लासेज है रात आठ बजे बेसिक से होती हैं यूट्यूब पर ये क्लासेज चलती हैं ठीक है वहीं पर सुबह छः बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है आठ बजे मैथ की क्लास होगी है ना नौ बजे आपकी रीजनिंग है ओ, इंग्लिश है दस बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है ग्यारह बजे जीके जी की क्लास होती है वही जो के द्वारा दो बजे फिर से आपकी जीके जी की क्लास है जोगे सर के द्वारा ध्यान रखेंगे वहीं पर ध्यान रखिएगा चार बजे आपकी रीजनिंग है पांच बजे आपका फिर से हिंदी है छ बजे आपकी एस एस की क्लास है भाई ध्यान रखिएगा ठीक है ना आठ बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस हैं ये भी आपको ध्यान रखना है भाई ठीक है तो ये था आज का आपका सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे क्लासेस की टाइमिंग लिख लेना और एसएससी एस सी में अगर एप्लीकेशनस पर आपको ध्यान रखना है क्या करना है भाई यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस पर डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पर क्या मिलेगा पी मिलेगा क्लास नोट्स मिलेगा डाउट सेशन्स आपको मिलेंगे भाई ठीक है और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर दी जाएगी ठीक है आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ध्यान रखिएगा है ना इंस्टाग्राम पर इस लिंक से आप हमें फॉलो कर सकते हैं ठीक है फेसबुक से आप हमें फॉलो कर सकते हैं ठीक है ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई टेलीग्राम चैनल को आप सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे ये आपका ट्विटर चैनल है ये आपका यूट्यूब चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है बेलाइकन का बटन दबाना है जिससे क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँचे है ना तो ये अपॉइंटमेंट्स हमने देखे नवंबर माह के इसी प्रकार से हम और भी आपके लिए कुछ लेके आएंगे जैसे महत्वपूर्ण डेज आपके लिए लेके आ सकते हैं वो हमें करने हैं महत्वपूर्ण योजनाएं हम आपके लिए लेके आ सकते हैं कि नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण योजनाएँ रही वो कौन कौन सी रही वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर करेंगे है ना तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए नमस्कार